जाए, कामादिक विकारों में न फंस जाए, तो अगर घर गृहस्थी में नहीं पड़े तो उनके पास टाइम ज्यादा है। जैसे फौज वाले लोग जो हैं, फौज के लोग जो होते हैं पीटीआई, वो जब करवाते हैं परेड, तो वो जो पीटी करवा रहा है पीटीआई है, वो उस लाइन में नहीं खड़ा होता है, नहीं देख न पावे कि कौन हाथ ठीक चला रहा, पैर ठीक चला रहा कि नहीं, वो साइड में खड़ा होता है। तो ये जो डायरेक्ट सन्यासी बनते हैं अथवा अस्मात आश्रम गच्छेत बनकर पूरा अनुभव करके तब बनते हैं, ये लाइन से गृहस्थों की अलग होते हैं, तब ये देख पाते हैं ये भला बुरा क्या कर रहे हैं, तब उनको गाइडेंस ठीक देते हैं। तो ऐसे कार्यक्रमों की बड़ी उपयोगिता है, अच्छी है। लताबन सबके सम्मुख आएंगे, कौन कहेगा धर्म ढोंग है, जब करके दिखलाएंगे। एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट, भाषण देने की अपेक्षा करके दिखाना अधिक प्रभावी होता है। इसलिए जो रामकृष्ण आदि काम जब करें, भगवान का नाम जब करने से मन बुद्धि विचार शुद्ध होंगे तो अच्छे बनेंगे। नाम जब हर समय नहीं कर सकते, नाम जब का मन है रामकृष्ण शंकर देवी हनुमान जिनमें अपनी श्रद्धा हो, वो सब एक का ही, उनमें कोई लड़ाई नहीं है, तो नाम जब एक उपाय हुआ भगवत प्राप्ति के लिए। दूसरा हुआ, नाम जब से जीव बने लगे तो रूप के दर्शन करिए, मंदिर में घर में झांकी बना ले, और हर समय रूप के दर्शन न मंदिर न झांकी में मौका होगा, तो याद करें उनकी। गुरु जी लिखते हैं कि हरि गुरु का स्मरण मात्र किए मन बुद्धि शुद्ध हो जाती है, मन बुद्धि शुद्ध से कर्म शुद्धि होते ही शांति दिखाती है। गुरु भगवान की याद करने से, केवल याद करने से मन बुद्धि विचार शुद्ध होते हैं, और यदि कहीं उनके दर्शन मिले, वाणी तो कहना ही क्या है, तो नाम रूप दो उपाय भगवत प्राप्ति के। तीसरा है लीलाएं भगवान की पढ़े सुने, उनके चरित्र से भी होता है ये किया ये किया, तो नाम रूप लीला। और धाम इस तरह के तीर्थ स्थान आदिकों में भी जाएं, पता नहीं कितनी कितनी विभूतियां, कुछ यदि गड़बड़ है तो कुछ ज्यादातर खोजने वालों को मिल जाते हैं, अच्छे वास्तविक संत भी। मनुस्मृति में कहा मनु जी ने कि संत की पहचान वेशभूषा नहीं है, दाढ़ी जटाए रखा ले या गौतम घोट रहे, दोनों स्टाइल हैं, मुंडी और झुंडी, मुंडी माने मुड़ा करके रहते हैं और ये झुंडी रहते हैं, दोनों स्टाइल हैं, कपड़े लाल पीले हरे नीले पहन ले मात्र इससे कोई संत नहीं हो जाता, न लिंगम धर्म कारणम, लिंग चिन्ह वेशभूषा धर्म की पहचान नहीं है। फिर तो ये पुलिस के महानुभाव भी कभी कभी सीआईडी बनते हैं, संत वेश ले लेते हैं, कभी चोर उचक्के भी संत वेश ले लेते, तो क्या महात्मा हो गए? और रेलवे स्टेशन पर कुली तमाम लाले लाल कपड़े पहने, अगर इससे महात्मा हुआ जाता तो जेल की क्या जरूरत पड़ती, जेल की कोई जरूरत नहीं पड़ती, जितने बदमाश लोग हैं इकट्ठा करके उनको तनिक देर में कपड़ा वपड़ा पहना दिया जाता, घोटम घोट या कैसे कुछ उनकी वेशभूषा दे दी जाती। तो नाम रूप लीला और धाम तीर्थ स्थान आदिकों में जाएं, वहाँ ढूंढें स्थान शांति कहाँ है, कहाँ वास्तविक संत है, इन्हीं में अच्छे ढूंढने वालों जिन खोजा तिन पाइया। और दो उपाय और, भगवान के स्वभाव का चिंतन करें। रामकृष्ण आदि की लीलाएं हम क्यों पढ़ते सुनते मनन करते हैं, उनका स्वभाव महान था, जिसका कोई चिंतन करता है भगवान के स्वभाव से भी अच्छे बनेंगे। और एक काम और करें, सेवा करें, सेवा को भजन माने, केवल माला जपना भजन नहीं है। भज धातु का संस्कृत में इस क्रिया का अर्थ है सेवायाम, तो सेवा इस भाव से करें कि भगवान आत्म रूप से सब में बैठे हैं, अगर इनको हम आराम पहुंचाएंगे तो सबके माता पिता, हमारे जो माता पिता जिन्होंने हमको जन्म दिया, ये छोटे माता पिता हैं, इनको उन्हीं ने दिया है, तो परब्रह्म परमात्मा कि जब जनता की सेवा करें, जनता ही जनार्दन है, इस भाव से जब सेवा करेंगे, सेवा करते समय भगवान से तनिक देर के लिए अलग नहीं होंगे, तो परब्रह्म परमात्मा में मन लगे, इससे फायदा क्या है, मन बुद्धि विचार शुद्ध होंगे ये फायदा है। मन बुद्धि विचार काम करने के औजार हैं, कोई मैकेनिक चाहे जितना अच्छा हो और उसके बाद औजार नहीं काम करने के तो क्या करेगा वो, इसलिए हमको परब्रह्म परमात्मा ने मन बुद्धि विचार काम करने के यंत्र दिए हैं, इनको हम लोग सत्संग में ठीक ठाक कर लें, इनमें भी जंक लगने लगती है, मल विक्षेप आवरण आने लगता है, तो गड़बड़ सब इसलिए फैला है क्योंकि मन बुद्धि विचार लोगों के दूषित हो रहे। जो आपने साक्षात्कार ब्यूरो से बात की,
नैम शारण अध्यात्म विद्यापीठ संरक्षक ये खोला नहीं था क्या? हाँ, खुला हुआ है, आप बोलिए। हाँ, बोलते नहीं है, बोलते मैं अध्यात्म विद्यापीठ संरक्षक स्वामी सर्वेश्वरानंद सरस्वती गंगा के पावन तट पर कल्पवास संपूर्ण भारत की अनुपम देन अलौकिक निधि त्याग तपस्या का पावन स्वरूप भारतीय संस्कृति का दिव्य स्वरूप जिसे हम इंडियन कल्चर भी कहते हैं। भारतीय संस्कृति क्या है, सनातन धर्म क्या है, भारतवर्ष क्या है, भारत के दिव्य संस्कार क्या है, त्याग तपस्या क्या है, ऋषि मुनियों की पावन परंपरा और उनकी प्रणाली क्या है, उसको देखना और जानना हो तो माघ में गंगा तट पर जाना चाहिए। वहाँ पर रहने वाले लोग पर्णकुटियों में रह करके आध्यात्मिक उपलब्धि करते हैं। आत्म शांति हेतु पवित्र दिव्य गंगा के पावन तट पर चिंतन करते हैं और आत्म चिंतन करके आत्मानुसंधान करके आत्म लाभ प्राप्त करते हैं। इस जीवन का मुख्य उद्देश्य आत्म लाभ, आत्म ज्ञान, आत्म चिंतन, क्योंकि तीनों लोक 14 भवन नवद्वीप अनंत ब्रह्मांड सब अध्यात्म ब्रह्म में कल्पित हैं, आत्मा में आरोपित हैं, आत्मा में असत और मिथ्या। मायाकृत जगत से समस्याएं ही समस्याओं का जन्म है, अध्यात्म संपूर्ण समस्याओं का समाधान है। पूरे विश्व में जो भी टेंशन तनाव समस्याएं उत्पन्न होती हैं उन सब का मूल कारण, समाधान का स्वरूप, सुख शांति का हेतु अध्यात्मवाद है, आत्मज्ञान है, सत्संग है, आत्मचिंतन है, भगवान नाम जप है और गुरुजनों के चरणों में बैठ करके सत्संग का लाभ जो प्राप्त होता है, इससे अनंत जन्मों की समस्याओं का समाधान मिल जाता है। इसलिए ये हमारी ऋषि प्रणाली, भारतीय संस्कृति और पावन दिव्य अलौकिक परंपरा ये जो कल्पवास के रूप में रखी गई है, इसमें बहुत से हेतु हैं। एक महीना तक घर की आसक्ति और ममता और मोह का परित्याग सहज रूप में ही होता है। दूसरे, एक विशाल परिवार में निवास होता है, संत समाज में, भक्त समाज में, तो एक छोटा सा लघु कुटुंब छूटने के बाद विशाल कुटुंब एक मिलता है। गंगा के सानिध्य में बैठने और रहने पर सहज स्वाभाविक लाभ प्राप्त होता है, शांति लाभ प्राप्त होता है। आज जो पूरे विश्व को बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों ने घेर रखा है, पूरे विश्व को टेंशन ने, डायबिटीज ने, ब्लड प्रेशर ने, हार्ट अटैक ने और जो गैस्ट्रोबुल आदि बीमारियों ने घेर रखा है, तो वेदों में लिखा है औषधि जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायणो हरि। सारे दुनिया की सबसे बड़ी दवाई का नाम है गंगा जल। जब एक महीना जीव गंगा के तट पर रह करके गंगा जल पान करता है और ऋषि मुनियों के चरणों में बैठ करके आध्यात्मिक साधना का पावन अनुसंधान करता है, तो उसके तीन तापों का शमन हो जाता है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। तीनों तापों का अंत हो जाता है और जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर कृतार्थ हो जाता है। इसलिए जो ये कल्पवास है, माघ मकर गति रब जब होई तीरथ पति आव सब कोई, ये तीरथ पति प्रयाग अथवा तो एक आध्यात्मिक प्रयाग भी गोस्वामी जी ने कहा है, उसका नाम है संत समाज रूपी प्रयाग। इधर 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 से आओ, इधर आध्यात्मिक प्रयाग, मुद मंगलमय संत समाजो तो जो जग जंगम तीरथ राजू। संत समाज का निवास भी एक प्रयाग है और उस प्रयाग में आध्यात्मिक आदैविक आदि भौतिक त्रय तापों का शमन हो जाता है, जीव स्वस्थ प्रसन्न निरोग्य और सुखी संतुष्ट और आनंदित होकर कृतार्थ होता है, अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त होता है,
सहज ही जहाँ बैठ करके मन बुद्धि इंद्रियां भाव विचार चिंतन सब पावन पवित्र स्वस्थ और मुक्त होते हैं, वो गंगा का पावन सानिध्य है। इसलिए गंगा का जल हमारे शंकराचार्य भगवान भी लिखते हैं, सुरतटिनी तरु मूल निवासा सैया भूतल मजिनम बासा सर्व परिग्रह भोग त्यागा कस्य सुखम न करोति विरागा भज गोविंदम गोविंदम भज मूणुमते भगवत गीता किंचित धीता गंगा जल लो कणिका पीत्वा येना कारि मुरारे चरता चर्चा तस्य यमा किं कुरते चर्चा भज गोविंदम गोविंदम भज मूणुमते। भगवान की के श्रीमुख से निकली हुई श्रीमद् भगवत गीता का थोड़ा सा भी जिसने पाठ किया है, गंगा जल का थोड़ा जिसने पान किया है, भगवान नाम का स्मरण किया है और संतों के सानिध्य में बैठ करके सत्संग लाभ प्राप्त किया है, उसके जीवन से तीनों तापों का सहज ही समन हो जाता है और वो जीव अपने स्वरूप को प्राप्त होकर कृतार्थ और कृतकृत्य तथा धन्य धन्य हो जाता है। इसलिए सब कुछ आध्यात्मिक उपलब्धियां और भौतिक सुख समृद्धि शांति और आनंद ये सब कुछ गंगा के पावन तट पर सहज ही सुलभ हो जाता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने परंपराओं ने पूर्वजों ने ऋषियों ने संतों ने शास्त्रों ने कल्पवास की अनंत महिमा का गुणगान किया। इसलिए हम सब भगवती जाह्नवी के पावन तट पर निवास करके अपनी आत्म शांति आत्म साधना आत्म चिंतन कर रहे हैं, मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है और भक्तों के मार्गदर्शन हेतु पावन आध्यात्मिक संदेश हेतु आत्मज्ञान संबंधी एक पावन सन्मार्ग प्रदान करने हेतु ही हम संतों का अवतरण धरती पर हमारे संतों का होता आया है। आचार्यों ने अवतारों ने ऋषि मुनियों ने संतों ने जड़ जीवन को करें सचेता जग माही विचरते हेता। इसलिए संत समाज का उद्धार करने के लिए लोक का कल्याण करने के लिए समाज का मार्गदर्शन करने के लिए और इसलिए वो आत्मकल्याण समाज सुखी होता है स्वयं आनंदित होते हैं प्रसन्न होते हैं। इन्हीं अभिप्रायों के आधार पर ये कल्पवास का पावन सत्संग के लिए बार बार आगंतुक सद्भक्तों के लिए समस्त धर्मानुरागी सज्जनों के लिए भक्तों के लिए शुभ आशीर्वाद मंगल कामना सद्भावना करते हुए उनके जीवन के प्रति मंगल कामना करते हुए संपूर्ण संसार के भक्तों के प्रति सद्भावना करते हुए और नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं कि संत क्यों धरती पर आते हैं, सतरस सतरस सलोकांश तारेति, वो तरते हैं तथा अपने सानिध्य में आने वाले भक्तों का भी उद्धार करते हैं लोक का भी कल्याण करते हैं। इसलिए ये सब कुछ करने के लिए ये कल्पवास माघ महीना का पावन पवित्र रखा गया, उसमें तपस्या है साधना है त्याग है भक्ति है प्रेम है ज्ञान है और अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्माम अमृतम गमय।